सेजल से फोन पर पूछ लेती है, पर करना तो काजोल को खुद से था। काजोल, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, खिचड़ी बनने में अभी कितनी देर है? माँ जी, मैं बस बना ही रही हूँ। जल्दी से तैयार करो, तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है। आधे घंटे में खिचड़ी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। अल्पना रसोई से बाहर चली जाती है। अल्पना बहन जी, और काजोल बहू नजर नहीं आ रही? जी, वो आप सबके लिए खिचड़ी का प्रसाद तैयार कर रही है। अल्पना बहन, तुमने अपनी बहू को बंगाली से गुजराती बना ही दिया। अब क्या करूं? अपने गुजराती रीति रिवाज तो सिखाने ही पड़ेंगे। आप लोग बैठिए, मैं जरा अभी आती हूँ। वो आ गई आपकी बहू। माँ जी, ये खिचड़ी का प्रसाद। खिचड़ी तो बड़ी स्वादिष्ट बनाई है काजोल बहू। हाँ, ये तो सच है, प्रसाद बहुत बढ़िया बनाया है, बिल्कुल गुजराती तरीके से। यूट्यूब पर सही दिखाया था, हींग जीरे का छौंक, हींग जीरे की खुशबू से खिचड़ी और भी स्वादिष्ट हो गई। सब मेहमान बहुत खुश होकर जाते हैं, पर अल्पना अभी भी सुकून में नहीं थी। मुझे पता है, आज तुमने अपनी मम्मी की सहेली से पूछकर और यूट्यूब पर देखकर जैसे तैसे प्रसाद की खिचड़ी बना ली, पर अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे अभी हमारे और भी रीति रिवाज हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक प्रसाद की खिचड़ी बनाने से तुम गुजराती नहीं बन गई हो। अल्पना की बात सुनकर काजोल बहुत दुखी होती है और कमरे में आ जाती है। तभी जिगर भी आ जाता है। अरे तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के बंगाली रेस्टोरेंट से तुम्हारी फेवरेट डिश खिलाता हूँ। नहीं नहीं, हम बाजार का कुछ क्यों करें? क्या तुम मेरे हाथ की बनी गुजराती खिचड़ी नहीं खाओगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने तो आज खिचड़ी बनाई है। जल्दी से गरम गरम खिचड़ी लेकर आओ और ऊपर से थोड़ा देसी घी भी डाल देना। अल्पना और काजोल का रिश्ता इसी तरह से चल रहा था। अल्पना के मन में काजोल के लिए खट्टी मीठी तकरार का सिलसिला अभी भी कायम था। ऐसे ही एक दोपहर अल्पना धूप में अचार और पापड़ सुखा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन मनोरमा घबराई हुई आ जाती है। अरे अल्पना।